बॉस ये देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या है इन बोरियों में? कोई खजाना हाथ लगा है क्या? खजाना नहीं बॉस, इसमें कैलेंडर्स हैं। देखिए ये क्रॉस का निशान इस कैलेंडर की तारीखों पे क्यों है? बॉस ये वो दिन हैं जब जब आप वीर को फिनिश करने में फेल हो गए थे। तो तू यहाँ मुझे मेरी नाकामयाबी दिखा रहा है? ये क्या कर दिया? मेरे नए एक्सपेरिमेंट के सारे केमिकल तूने बर्बाद कर दिए। मुझसे ये गलतियां क्यों होती हैं? टिम्बक्टु, ये क्या हो रहा है? ये तो ब्लॉब बन रहा है। मुझे इसे कंट्रोल में लाना होगा। टिम्बक्टु, मेरी वो मिसाइल शूटर कर लाओ। अब इस ब्लॉब से हमें वीर पे अटैक करके उसे फिनिश करना है, यही ना बॉस? यस। इस ब्लॉब को हराने का तोड़ वीर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वीर ही क्या, डॉक्टर प्रेम सहाय भी नहीं ढूंढ पाएगा। वीर, आज दुनिया का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट मैड मैक्स तुम्हारे खिलाफ ऐलाने जंग करता है। बच सको तो बच के दिखाओ। You are genius, boss. Super duper genius. वीर, इस बार इस ब्लॉब के अटैक से तुम नहीं बच सकते। तुम्हारा खेल खत्म। अरे मर गया, ये तो निशाना चूक गया। ये इमली को अचानक क्या हो गया है? इमली, इमली क्या कर रही हो? एक्स रे विजन ऑन। ये तो किसी एलियन ने इमली पर कब्जा कर लिया है। मुझे दादाजी को बताना होगा। दादाजी, यहाँ गड़बड़ हो गई है। लगता है मैड मैक्स ने एक एलियन के सहारे इमली को अपने काबू में कर लिया है। वीर, तुम इमली का ख्याल रखो, और तुमने अपने एक्स रे विजन में जो उस एलियन की पिक्चर स्टोर की है उसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर सेंड करो। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ठीक है दादाजी। रोबो बॉय सूट ऑन। बॉस, आपका काम तो ये चुलबुल और इमली ही कर देंगे। वीर अब अपने ही दोस्तों के हाथों फिनिश हो जाएगा। अरे अरे इमली, चुलबुल, मैं वीर हूँ, तुम लोगों का दोस्त। वीर, ये एक ब्लॉब है। मैंने तुम्हारी प्रोग्रामिंग चिप में सूर्य की पॉजिटिव एनर्जीज भेजी हैं। तुम उस पॉजिटिव एनर्जीज को ऑन करो और इमली और चुलबुल का हाथ थाम के वो एनर्जीज उनमें शामिल कर दो, जिससे वो ब्लॉब बाहर आ जाएगा और तुम उस ब्लॉब को कंट्रोल कर सकते हो। ओके दादाजी। Yeah.
मुझे क्या हो गया था? मेरा सर क्यों भारी है? इमली, मैं तुम्हें सब बाद में समझाता हूँ। कोई चालाकी मत करना वरना इमली चुलबुल अब आप वीर को फिनिश कर दो। इट्स एन ऑर्डर। ये क्या, उस वीर को फिनिश करो। बॉस, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता वीर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हेल्प बॉस, हेल्प, मैं लटक गया। दादाजी अब यहाँ? हाँ वीर, ये जो ब्लॉब है उसे पहले फ्रीज करना होगा, फिर उस पर फ्लेम की रेस छोड़कर उसके टुकड़े करके राख बनाना होगा, तभी उसकी तबाही से हम बच सकते हैं। ठीक है। हाँ? अब वीर तुम्हारा खेल खत्म। वीर, मैंने जो उपाय बताया था वैसा करो। वीर, ये जो ब्लॉब है उसे पहले फ्रीज करना होगा, फिर उस पर फ्रेम की रेस छोड़कर उसे टुकड़े करके राख बनाना होगा। दादाजी, वीर तो जमीन में चला गया। बॉस, आपका काम हो गया। वीर इज फिनिश्ड। वीर, तुमने तो कमाल कर दिया। वीर, एक बार फिर हम जीत गए। दादाजी, ये जीत इंसानियत की है। बॉस, अपने ब्लॉब अटैक को तो वीर ने पहले फ्राई किया फिर फ्रीज कर दिया। लगता है वीर के पास आपके हर हमले का जवाब पहले से ही रहता है। Shut up, Timbuktu. He is right, boss. He is right. Meow. Wow. इतना मोटा चूहा. Looks delicious. मोना नहीं। अरे मोना रुक जाओ। मैं कहता हूँ उसे मत पकड़ो। रुक जाओ। अरे मेरी बात नहीं सुनती। मोना, तुम उसे नहीं पकड़ सकती। रुक जाओ। ये चूहा नहीं, रोबोट है। अगर तुम इसे पहचान नहीं पाई तो वीर भी धोखा खा जाएगा। मैंने ऐसे कई चूहे रोबोट बनाए हैं। बॉस, आपके इतने स्ट्रॉन्ग रोबोट वीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ये चूहे क्या कर लेंगे? टिम्बक्टु, ये चूहे नहीं, वीर का अंत है। अब देखो ये क्या करते हैं। वीर इन चूहों की फौज से ये जंग कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन बाकी चूहे कहाँ हैं? और वो वीर को पहचानेंगे कैसे? गुड क्वेश्चन, अभी बताता हूँ। मैंने इस रैट रोबोट में तुम्हारी फोटो अपलोड कर दी है। अब इससे बाकी सारे रैट्स में तुम्हारी फोटो ट्रांसफर हो जाएगी। जिसकी फोटो इनके अंदर है वही इनका टारगेट है। Thank you.
ये मेरे पीछे पड़ गए बॉस। बचाओ इन्हें, वीर के पीछे लगाओ बॉस। I'm glad Timbuktu, मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कुछ तो खतरा है। चिंटू चिंटू वो देखो कितने सारे चूहे। बचाओ वीर, वीर देखो चूहे, वीर बचाओ। ओफो इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? चिंटू इन्हें खत्म कर दो। नहीं चिंटू इन्हें मारो मत, ये चूहे हैं, खाने की तलाश में आए हैं, इन्हें सिर्फ बाहर फेंक दो। वीर जग गया है, अब कोई फायदा नहीं, चूहों को वापस बुलाना होगा, फिर मौका देख के हमला करूंगा। चिंटू सब चूहे चले गए, अब डरो मत। वीर क्या हुआ, ये शोर कैसा था? दादाजी पता नहीं कहां से बहुत सारे चूहे आ गए थे, लेकिन मैंने सबको बाहर भगा दिया। हाय वीर। हाय इमली। पता है कल रात ना जाने कहां से बहुत सारे चूहे मेरे रूम में आ गए थे। जिंटू का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया था, वो हमारी मदद करने के बजाय टेबल पे चढ़ के थर थर कांप रहा था। लेकिन इतने सारे चूहे आए कहां से? सारे चूहे, वीर बचाओ मुझे। उफ, वो ये चूहे भिरा गए? ये चूहे नहीं है, इमली और रूपोट से और मेरे लिए आए हैं, मैं इन्हें यहाँ से दूर ले जाता हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। वीर द रोबो बॉय, तुम कब तक बचोगे? मेरे चूहे उड़ नहीं सकते, लेकिन इतनी स्पीड में दौड़ सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये क्या, रोबो बॉय के पीछे चूहे पड़े हैं? ये कैसे चूहे हैं जो दीवारों पे भी इतनी स्पीड से भाग रहे हैं? दादाजी ये चूहे सब रोबोट हैं। इनके अंदर छोटे से मॉनिटर में मेरा इमेज बना है और टारगेट लिखा हुआ है, इसीलिए ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरे पास एक आइडिया है इन्हें ट्रैप करने का, सुनिए। ठीक है वीर, तुम उन्हें शहर से बाहर ले आओ, मैं उनके लिए जाल बिछाता हूँ। ओके दादाजी। दादाजी मेरा जेटपैक डैमेज हो गया है, मैं उड़ नहीं सकता।
दादाजी सब चूहे खत्म हो गए, आपने अच्छा ट्रैप सेट किया। I am mad, very very mad, Mother Rat, attack! अरे ये भी है दादाजी, इमली चुलबुल दूर हट जाओ। Jet shoes on. अब तुम नहीं बचोगे। वीर! वीर! मुझे आवाज दे रहा है। बॉस, आपके चूहों की फौज का तो वीर ने खेल ही खत्म कर दिया। मेरी मानो तो आप वीर के साथ जंग की सोचना भी छोड़ दो और किसी बिल में छुप जाओ, वरना हम भी चूहों की तरह मारे जाएंगे। चुप करो टिम्बक्टू, इस जंग में वीर की हार तय है। मेरे पास एक खतरनाक प्लान है, तुम जल्दी से लैब में आओ। ओके बॉस, आई एम कमिंग। एक और प्लान? बॉस के सारे प्लान तो फेल हो जाते हैं, पता नहीं अब कौन सा प्लान है। चलो वो भी देख लेते हैं। पता नहीं बॉस मुझे यहाँ काम पर लगा के खुद कहाँ चले गए। हमेशा यही करते हैं। ओफ़ो, क्या कर रहे हो टिम्बक्टू? सॉरी बॉस, सॉरी। ये देखो, ये है मेरा नया हथियार जो वीर को खत्म कर देगा। बॉस, बॉस, बचाओ! सॉरी मिस्टर क्रुक, टिम्बक्टू के साथ जाओ और वीर को खत्म कर दो। ओके सर। वीर, तुम्हारी ये कार बहुत काम की है। हाँ इमली, मैंने बनाए भी इसलिए है। इमली, इस कार को तो तुम अकेले ही गांव लेकर जा सकती हो। नहीं चुलबुल, ये कार बच्चों के लिए नहीं है, मैं तो रोबोट हूँ, मैं इसे चला सकता हूँ। वो कौन है? वो जो आ रहा है वो वीर है, उसके साथ उसके दोस्त हैं। खत्म कर दो सबको। With pleasure. टिम्बक्टू भी वहाँ खड़ा है, जरूर वो किसी को लेकर आया है। Bye bye वीर। मेरी लेजर स्क्रीन उस मिसाइल को नहीं रोक सकती। फुल स्पीड ऑन। फुल स्पीड ऑन। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। लेकिन बार बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। नाना जी, मुझे उस मेले में जाके जायंट व्हील पे झूलना है। इमली बेटा, मेला अगले संडे से शुरू होने वाला है, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। इमली, उस मेले का मैनेजर मेरे पहचान का है, मैं उससे फोन पे कह दूंगा, ठीक है? ओके।
ये नाना जी, वीर चलो ना। फ्री गैस सिलेंडर, ये फ्री गैस सिलेंडर जिसमें एक सिलेंडर कम से कम 5 महीने चलेगा। ये हमारे घरेलू गैस का प्रमोशनल ऑफर है। एक सिलेंडर हमें भी दे दो भैया, हम भी इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये कितना चलता है। वीर, वो देखो, गैस वाला सबको फ्री सिलेंडर बांट रहा है। अपने गैस का शायद प्रमोशन कर रहा होगा। उसे देख के मेरा डोंकी सेंस कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अपने डोंकी सेंस को अपने पास ही रखो। चल बल, चलो भी अब। मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन उस गैस वाले को देख के मेरा डोंकी सेंस खतरा महसूस कर रहा है। इमली बेटा आओ, तुम्हें जाइंट व्हील झूलना है ना? हाँ अंकल, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे नाना ने फोन किया था। मेला तो संडे से शुरू होगा, लेकिन तुम लोग जाइंट व्हील झूल सकते हो। तुम कौन हो? वीर, वो देखो नीचे वो लंबा आदमी। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि कुछ खतरा है। ये तो वही आदमी है जो हमारे पीछे पड़ा था। इमली, तुम लोग कस के पकड़ के बैठे रहो, मैं अभी आया। वीर, तुम उन्हें नहीं बचा सकते, चाहो तो कोशिश कर लो। वीर! वीर! अगर तुम मुझे खत्म करने आए हो तो वो गैस सिलेंडर का ड्रामा क्यों? सोचो वीर, सोचो। ओ नो, तुम पूरे गांव को एक साथ ब्लास्ट करना चाहते हो? इस रिमोट के एक बटन को दबाने से पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, गांव को बचा लो या अपने दोस्तों को। अगर दोनों को बचाना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं सबको बचाऊंगा और तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। नो! हेलो नाना जी, गांव में हर घर में एक सिलेंडर है जो कि बम है। सबको कहो कि अपना अपना सिलेंडर लेके गांव से बाहर दूर फेंक दें, अभी इसी समय। इमली, चुलबुल, तुम दोनों जल्दी गांव जाओ और हर घर से गैस सिलेंडर निकाल के गांव से दूर फेंकवा दो। जल्दी जाओ, तब तक मैं इसे देखता हूँ। ठीक है वीर। पावर्स और इंटेलिजेंस से आपके सारे पैंतरे फेल कर देता है और आप बस देखते रह जाते हो। मेरी मानिए बॉस, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, हम दोनों वहां मिलके खेती करेंगे। वीर को मारना आपके बस की बात नहीं बॉस। टिम्बक्तु, तुम मेरे आदमी हो या वीर के? मैं एक साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट, इसका मतलब भी समझते हो? वेरी वेरी मैड। ये ऐलान जंग मैंने किया है
और जब तक वीरकांत नहीं हो जाता ये जंग खत्म नहीं होगी। टिम्बक्टू, अब वीर का बचना मुश्किल है। वो इसलिए हर बार मेरे रोबोट से जीत जाता है क्योंकि उसके पास अलग अलग सिचुएशन में लड़ने के लिए अलग अलग सूट्स हैं, अलग अलग हथियार हैं, जिन्हें वो सिर्फ कमांड करके निकल लेता है। लेकिन जब आवाज ही नहीं होगी तो कमांड कैसे करेगा हा? लेकिन बॉस, उसकी आवाज जाएगी कहाँ? ये देखो, ये मेरा थ्रोट जैमिंग डिवाइस है। ये उड़ती हुई जाएगी और वीर के गले में जाके उसका गला जैम कर देगी, फिर वो किसी तरह की कमांड नहीं दे पाएगा और एक साधारण रोबोट की तरह रह जाएगा। फिर मेरा मैग्नेटो जाके उसको खत्म कर देगा। You are genius, boss. Super duper genius. वीर, ये लो, ये केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इसे खाकर खेलने जाओ, इमली को भी खिलाना। थैंक यू दादाजी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। काश दादाजी मेरा भी उतना ही ख्याल रखते। तुम्हारे लिए केक और मेरे लिए क्या? तुम्हारे लिए ये है। ओ थैंक यू दादाजी, आप हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। यू आर द बेस्ट दादाजी इन द वर्ल्ड। हाय इमली। हाय। ये लो, दादाजी ने केक बनाया है। चलो गार्डन में बैठ के खाते हैं। वीर का गला जैम हो गया है। अब वो नॉर्मल रोबोट ही रह गया है। अब आएगा मजा। मैग्नेटो, आ जाओ। वो तो मैड मैक्स का रोबोट है। वीर, भागो! गैजेट को कमांड नहीं दे सकता, अब क्या करूं? नॉर्मल पावर से ही काम चलाना होगा। थैंक यू वीर। ये केक से नहीं हुआ है, ये मैड मैक्स ने सोच समझ कर किया है। पहले किसी डिवाइस से वीर का गला जाम किया ताकि वीर अपने गैजेट्स को कमांड ना दे सके, और फिर अपने रोबोट को भेज दिया। अब क्या होगा दादाजी? चलो उसके गले में एक थ्रोट क्लीनिंग डिवाइस डालनी होगी, वो ठीक हो जाएगा। दादाजी
ऐसा खतरा मोल मत लो, वो तुम पर भी लेजर से अटैक करेगा। दादाजी, मेरे पास एक आइडिया है। जीनियस, सुपर टूपर जीनियस, देखा तुमने मैंने कैसा मजबूर कर दिया। ये दादाजी ने भेजा है, तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। रोबो बॉय सूट ऑन। साइंटिस्ट से गार्डनर कब बन गए? चुप रहो टिम्बक्टू, ये तुम्हारी समझ के बाहर की बात है। ये मेरी जंग का नया सिपाही है जो कभी हार नहीं सकता। सिपाही? कहाँ है सिपाही? ये तो एक पौधा है बॉस। आपके बड़े बड़े रोबोट कुछ नहीं कर पाए तो ये पौधा क्या कर लेगा? पौधा इस रिमोट के बटन को दबाने से बड़ा हो जाएगा और फिर ये चलता फिरता तबाही का रोबोट ट्री होगा। इसके ट्री वाइन्स हथियार हैं, इसके फ्रूट्स हथियार हैं। वो ऐसे गैस फैलाएंगे कि शहर के लोग खांसते खांसते सो जाएंगे और फिर वीर को इससे लड़ने आना होगा और ये वीर को पकड़ के मेरे पास ले आएगा। ये लो रिमोट। ओके रोबोट ट्री, लेट्स स्टार्ट ऑपरेशन वीर। अरे बचाओ, बचाओ! चुप जाते। आपको बताना होगा, टिम्बक्टू एक रोबोट ट्री लाया है। वीर जल्दी चलो, टिम्बक्टू एक रोबोट ट्री लाया है और वो तबाही मचा रहा है। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन।
वैक्यूम क्लीनर ऑन। वैक्यूम क्लीनर ऑन। रोबो बॉय, हमारी मदद करो रोबो बॉय। गया वो रोबो बॉय, बुलाओ उसे, कहीं भाग तो नहीं गया। इमली, मैं अभी इस टिम्बकटू को यहाँ से उड़न छू करता हूँ। बॉस, वीर आ गया है, उसने सारी गैस शहर से साफ कर दी। बॉस अटैक। ओके रोबोट्री दोस्त, शुरू हो जाओ। टिम्बक तू चुपचाप ये रोबोट्री लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो जानता हूँ तुम क्या कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि ये रोबोट्री क्या कर सकता है। शहर से दूर ले जाना होगा। दादाजी, दादाजी जल्दी चलिए, वो रोबोट ट्री बहुत ही पावरफुल है। चलो इमली। कब तक बचोगे वीर? ये लो। पेड़ की जड़ों को मिट्टी की जरूरत होती है, मैं इसे मिट्टी से दूर चट्टान पे ले जाता हूँ, वहाँ ये चल नहीं पाएगा और इसकी जड़ों को ग्रिप नहीं मिलेगी। वीर। दादाजी दूर रहना, प्लीज इसके पास नहीं आना। अब तुम मेरे कब्जे में हो। दादाजी, वीर जमीन में चला गया। जमीन खोद के कोई फायदा नहीं, वीर उस रोबोट्री में होगा। डॉक्टर प्रेम सहाय, बाय बाय। वीर अब मेरे साथ है, देखता हूँ अब तुम उसे कैसे बचाते हो। इमली, हमें उसका पीछा करना होगा।
हम अपने इनविजिबल स्पेसशिप में बैठ के उसका पीछा करेंगे। इनविजिबल स्पेसशिप? हाँ चुलबुल, उसे और कोई नहीं देख सकता। चलो। लेजर लाइट ऑन। लेजर लाइट ऑन। दादाजी कुछ पता नहीं, मैं एक मेटल कैप्सूल के अंदर कैद हूँ और इसे मेरी लेजर बीम्स काट नहीं पा रही। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी लेजर गन लेकर आता हूँ जिससे कोई भी मेटल काटा जा सकता है। दादाजी मेरे ख्याल से मैं ट्री हाउस के अंदर ही। हाँ वीर, तुम ठीक सोच रहे हो और ट्री हाउस उड़ गया है। मैं स्पेसशिप में आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। अब मैं ये इनविजिबल वाला बटन दबाऊंगा तो हमें कोई देख नहीं पाएगा। बॉस बॉस, वीर को पकड़ लिया है बॉस। मुबारक हो बॉस, मुबारक हो। टिम्बकटू, तुम मेरे सच्चे सिपाही हो, कभी ना हार मानने वाले एक सच्चे सिपाही। मेरे बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बॉस, थैंक यू। टिम्बकटू, क्या कर दिया तुमने? बेवकूफ आदमी, तुमने फ्लाइट टेक ऑफ का स्विच तोड़ दिया है। तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो, कम अक्ल हो, यूजलेस हो। जी, वो देखिए, वो रहा ट्री हाउस। बॉस बॉस, लगता है कोई मेहमान आया है, मैं अभी आता हूँ। वहाँ स्पेस पे मिलने तुमसे कौन आ सकता है? वापस आओ और मेरी बात सुनो। टिम्बकटू, जल्दी से बताओ वीर कहाँ है, वरना तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक देंगे। वीर एक मेटल कैप्सूल में कैद है, यहाँ से राइट जाओ और फिर दूसरे कमरे से लेफ्ट, फिर सीधे उतर के नीचे, वहाँ वीर है। ट्री रोबोट कहाँ हो? ट्री रोबोट जाओ और वीर को पकड़ के मेरे पास लाओ, वो ट्री हाउस में है, जाओ। टिम्बकटू, खोलो इसे। दादाजी, इमली चुलबुल, ओ थैंक यू फॉर कमिंग। चलो वीर। सब नीचे झुक जाओ। लगता है ट्री हाउस में कुछ टकराया है। जल्दी चलो, स्पेसशिप में बैठकर निकल जाते हैं। अंदर रहो, मैं स्पेसशिप को वापस लाता हूँ। वीर, और जोर लगाओ, तुम कर सकते हो वीर। तुम लोग हट जाओ। Come on!
हर पेड़ चाहे कैसा भी हो आग से जल जाता है। चलो इसे देखते हैं। फायर सूट ऑन। फायर सूट ऑन। ये जंग खत्म नहीं हुई। जब तक तुम खत्म नहीं होते मेरी जंग भी खत्म नहीं होगी। मैं वापस आऊंगा वीर। आगा।